नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं असल दस्तक। बीजेपी आरएसएस अपने नेताओं को किस तरह से बचाती है, इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप सोचिए कि किस तरह से यूपी के प्रतापगढ़ में ओबीसी के लोगों पर हमला हुआ और वहां के बीजेपी के मंत्री विधायकों ने लिखा ओबीसी आयोग को कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये तो छोटा मामला था, मामला मणिपुर से है जहां सबसे मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह जो कि बीजेपी के हैं उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी नेता को बचाने की कोशिश की है। एक 2018 में एक रेड हुआ था जिसमें 28 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे। 13 जुलाई को कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके वृंदा जो थाउना जो ओजम वृंदा राज्य के नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो के वरिष्ठ अफसर हैं, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि जो वहां के मुख्यमंत्री है वो जो स्थानीय बीजेपी नेता है लुखोसोई जू को ड्रग माफियाओं का सरताज माना जाता है, वृंदा का आरोप है कि वो राज्य के भाजपा का स्थानीय नेता है। एक पुलिस अफसर ने आरोप लगाया कि अपने नेता को ड्रग्स माफिया को बचाने की कोशिश हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में किस तरह के हालात हैं और किस तरह से आरएसएस बीजेपी अपने लोग को डिफेंड करती है। सही कहते हैं लोग कि आरएसएस वो वॉशिंग मशीन है। सोचिए बीरप्पन की बेटी को शामिल कर लेते हैं, बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है, इधर से आदमी डलता है उधर से बेदाग होकर निकल जाता है। पिछले 6 साल में लोग कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार है, कोई जांच ही नहीं हो रही, सीबीआई उनका। सोचिए चुनाव आयोग जो लवासा थे उनको हटा दिया गया, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनने दिया गया। सीबीआई में श्रीवास्तव थे, उन्होंने थोड़ा सा फाइल मंगवाया था उनको हटा दिया गया। राफेल की फाइल मंगाई थी गगोई ने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कलियों के एक महिला का आरोप लग गया और उस महिला के आरोप के बाद उनकी छीछा लेदर होने लगी, जांच बैठा दी गई। गगोई बाद में अयोध्या पर फैसला आ गया, उन्होंने तमाम जो राफेल खरीदारने वाले थे उस मामले को रफा दफा कर दिया, उसके बाद वो राज्यसभा भी चले गए। और उस केस में क्या हुआ, जिस महिला ने आरोप लगाया था उन पर बदसलूकी का, वो महिला भी बरी हो गई, क्लीन चिट हो गई, गगोई भी क्लीन चिट हो गई, कोई एक तो दोषी था। तो ये जो राजनीति होती है बीजेपी की, वो समझिए किस तरह की राजनीति है। और इसके खिलाफ इस देश में कोई बात तक नहीं करने के लिए, टीवी पर बहस नहीं होती, मीडिया सवाल नहीं पूछता है। अगर यही किसी दूसरे दल के नेता होते, मायावती अखिलेश तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस वाले पर ये लोग लग जाते हैं। सोचिए एक गृह मंत्रालय ने कहा कि हम एक जांच बैठाएंगे, 3 ट्रस्ट है राजीव गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, तो वो खबर चलने लगी, अच्छी बातें चलनी चाहिए। लेकिन अभी तो उसमें कोई दोषी भी नहीं पकड़ाया है, तो वहां से एक सबूफा छोड़ दिया था उस पर खबरें चलती है और यहां से बड़ी बड़ी खबरें दबा दी जाती है। तो ऐसे चल रहा है ये देश, ऐसे हो रहा है मीडिया मैनेजमेंट, ऐसे हो रहा है हेडलाइन। अगर बीजेपी कोई आरोप भी लगा दे तो मीडिया उसको बड़ी खबर बना देती है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो जाए तो बड़ी खबर हो जाती है। अब सोचिए कि बीजेपी के 75 नेता को कोरोना हो गया, अध्यक्ष को कोरोना हो गया बिहार में, कोई बोला कि बीजेपी के नेता कोरोना फैला रहे हैं लेकिन मुसलमानों को मुसलमान कोरोना फैला रहा है। आप सोचिए विकास दुबे अगर कोई मुसलमान होता तो पूरा मुसलमान आतंकी हो जाता, यह समझना पड़ेगा आपको। अगर कोई पिछड़ा इस तरह के काम मामले में पकड़ा जाता तो पूरा पिछड़ा समाज, यादव कुर्मी कोई जिस जाति का निकलता उस जाति के तमाम लोग बेईमान हो जाते। तो ये इस तरह से जातिवाद काम करता है और ये समझना पड़ेगा। और बीजेपी किस हद तक जाकर अपने नेताओं को डिफेंड करती है ये समझिए। और जिस और ये सब खबरें नहीं चलती, ये सब सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर खबरें मिलती है और सोशल मीडिया ही, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन मीडिया है। और सबसे बड़ी बात है कि अब साफ हो गया राजस्थान के मामले को लेकर कि खरीद फरोख्त होती है और उसमें केंद्र का सहयोग है। गजेंद्र शेखावत जो कि केंद्र के मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए सुना है कि पुलिस चल चुकी है राजस्थान से, और भंवरलाल शर्मा विश्वेंद्र शर्मा दो भंवरलाल शर्मा विश्वेंद्र सिंह इन दोनों से बातचीत हो रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, खरीद फरोख्त हो रही थी, सरकार गिराया जा रहा था। खैर इसमें कांग्रेस बहुत बेदाग नहीं है, कांग्रेस का भी यही हाल है, कांग्रेस ने अभी 6 विधायक बीएसपी के खरीद लिए थे। तो ये समझना पड़ेगा इस देश के तमाम लोगों को कि देश कैसे चल रहा है, कौन लोग हैं, किस हद तक जाके डिफेंड करते हैं। और मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी यूनिवर्सिटी कैंपस बिजनेस सब जगह जाति विशेष का लोगों का कब्जा है, धर्म विशेष लोगों का कब्जा है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है।
गुना में जो पीड़ित परिवार है उसी पर केस दर्ज कर दिया जाता है। तो जाति एट्रोसिटी भी लगातार बढ़ रही है। और बीजेपी की वानगी देखिए कि वो ड्रग्स 18 करोड़ के ड्रग्स में जो उसका नेता फंसा हुआ उसको भी बचाने की कोशिश करता है। आप समझ लीजिए कि बीजेपी किस तरह से राजनीति करती है। तो ये चाल चरित्र चेहरा जो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। और धर्म के नाम पर आपको बरगलाया जाता है, आपसे वोट लिया जाता है, और जब तक धार्मिक उन्माद में आप फंसे रहेंगे आप देश के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आप जाति के नाम पर धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस नदी ऊपर से बहती है नीचे से नहीं। इस देश में जो पढ़ा लिखा तबका है जिसकी जिम्मेदारी थी विज्ञान को बढ़ाने की, वो कहीं ना कहीं कर्मकांड बढ़ा रहा है। जब केंद्रीय मंत्री अस्पताल में जाके पूजा पाठ का सरेआम प्रदर्शन करे, जब रक्षा मंत्री राफेल में जाके टीका चंदन करें, तो विज्ञान कहां रह जाएगा। ये संविधान में आपको अधिकार है कर्मकांड के खिलाफ बात करने का। आपका संविधान कहता है कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट से आप आगे बढ़िए। धर्म आपका निजी मसला है, आपको अपने घर में रहना है। अगर आप किसी भी सार्वजनिक पद पर है और किसी एक धर्म को आप प्रोपगेट कर रहे हैं, किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप सार्वजनिक पद पर हैं, तो यह अपराध है। आप सब धर्म को बुला लेते, एम्स में तो कोई एक हिंदू धर्म के लोग इलाज कराने जाएंगे नहीं। तो ये सब आरएसएस बीजेपी जानबूझकर कर रही है। आपको क्या लग रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बयान, ये धार्मिक प्रतीकों को आगे करना, ये सब राजनीति है और ये आपको समझना पड़ेगा। और बीजेपी अपने ड्रग्स पेडलर को भी बचाने की कोशिश करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक पुलिस अधिकारी कहती है। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।